हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एग्रोनॉमी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर क्या होता क्या है। एग्रीकल्चर दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, एगर और एग्री प्लस कल्चरा। एगर और एग्री मीन्स होता है सॉयल और कल्चरा मीन्स होता है कल्टिवेशन। इट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। मीन्स कह रहा है कि एग्रीकल्चर सिर्फ खेती करना, जुताई करना और ये फसल उगाना ही नहीं है, इसका मतलब इसमें और भी एस्पेक्ट्स जो है इंक्लूड होता है, जैसे हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक रियरिंग, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, ये सब सारी चीज़ें एग्रीकल्चर में ही इंक्लूडेड हैं। एग्रीकल्चर को डिफाइन कैसे करते हैं? एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज एन आर्ट, साइंस, बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक फॉर इकोनॉमिक पर्पस। हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए लाइव स्टॉक या जो भी क्रॉप प्रोड्यूस हुआ उसके जिस कला से, साइंस से, बिजनेस का उपयोग करते हैं उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि एग्रीकल्चर एक कला है, एक साइंस है और एक बिजनेस की तरह भी हम लोग करते हैं। जो कि क्रॉप प्रोड्यूस हुआ और लाइव स्टॉक जो हमारे पास है उससे हमारा क्या होता है, इकोनॉमी इंक्रीज होता है। उसके बाद कह रहा है एग्रीकल्चर को आर्ट कैसे कहा जाता है। एग्रीकल्चर वे टू परफॉर्म द ऑपरेशन इन अ स्किलफुल मैनर। मीन्स कि कोई किसान है जो खेत में खेती कर रहा है तो क्या कर रहा है, वो वहाँ देख रहा है कि कब बीज लगाना है, कब उसका हार्वेस्ट करना है। तो ये सब क्या है, कला है, एक स्किल है उसके अंदर। इसमें कह रहा है कि नो एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक प्रिंसिपल प्रैक्टिस आर रिक्वायर्ड। मतलब इसका कह रहा है कि ये स्किल है जो कि इसमें कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ये बस करते करते किसान सीख जाते हैं। एज इन साइंस यूटिलाइज ऑल टेक्नोलॉजी लाइक क्रॉप ब्रीडिंग, प्रोडक्शन टेक्निक, क्रॉप प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक्स। एज ए साइंस हम कैसे कहेंगे, इसमें क्या हो गया, साइंस इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें और सारा टेक्नोलॉजी जो है वो इंक्लूड हो रहा है धीरे धीरे। हमारा कृषि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो धीरे धीरे मॉडर्न होते जा रहा है, उसमें बहुत सारे मशीनीकरण, मैकेनाइजेशन इंक्लूडेड होते जा रहा है। तो उसमें क्या आ गया, क्रॉप ब्रीडिंग जो कि बायोटेक में हम पढ़ते हैं, प्रोडक्शन टेक्निक, क्रॉप प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स कि हम कैसे इसे प्रॉफिट ले सकते हैं। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन आ गया। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि डेवलप करते हैं न्यू वैरायटी के क्रॉप्स को। ट्रांसजेनिक क्रॉप क्या हो गया कि उसमें रेजिस्टेंट वैरायटी डाल देते हैं ताकि उसमें पेस्ट या डिजीज जल्दी डेवलप ना हो पाए। उसके बाद हर्बिसाइड्स हो गया टू कंट्रोल वीड्स, हर्बिसाइड डालते हैं ताकि वीड्स जो खरपतवार है वो उगे ना। फिर हो गया बायो कंट्रोल एजेंट कॉम्बैट पेस्ट एंड डिजीज, बायो कंट्रोल एजेंट जो कि पेस्ट और डिजीज से क्या करे, फाइट करे। उसके बाद है कि हाइब्रिड्स बनाते हैं सभी क्रॉप्स का, हाई फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव वेराइटीज बनाते हैं, फिर वाटर मैनेजमेंट करते हैं। ये सब क्या हो गया, एज ए साइंस में आ गया। एज ए बिजनेस कैसे कह सकते हैं, एग्रीकल्चर इज वे ऑफ रूरल पॉपुलेशन प्रोडक्शन एंड देन कंजप्शन। एज ए बिजनेस कैसे कह सकते हैं कि इस तरह से कहते हैं एग्रीकल्चर को कि रूरल पॉपुलेशन जो है वो क्या है, हमारा प्रोडक्शन करता है क्रॉप्स का और फिर कंज्यूम करते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया, एज ए बिजनेस क्या हो गया एग्रीकल्चर, जैसे कि मैक्सिमम इंटरनेट रिटर्न लेते हैं इसके थ्रू, मैनेजमेंट करते हैं लैंड लेबर का, फिर वाटर एंड कैपिटल मीन्स कि कितना पैसा लगेगा और कितना पानी, ये सब जितना हो गया ये सब क्या हो गया, बिजनेस में आ गया। विद द हेल्प ऑफ वेरियस साइंसेस प्रोडक्शन ऑफ फूड, फीड, फाइबर, फ्यूल, नाउ एग्रीकल्चर इज कैन बी कमर्शलाइज टू रन बिजनेस फॉर थ्रू मैकेनाइजेशन। मीन्स कि मशीनीकरण के द्वारा हमारा जो एग्रीकल्चर है वो कमर्शलाइज हो रहा है और जिससे कि फूड, फीड, फाइबर, फ्यूल जो है वो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। किसकी हेल्प से, साइंस के हेल्प से। ओके।